Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 800 साल पुराना है भारत का बनहाला दुर्ग, जिसे सांपों का किला भी कहा जाता है। भारत में ऐसे कई किले हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, और कुछ तो इतने पुराने कि किसी को पता ही नहीं कि वो आखिर कब बने और किसने बनवाया है। एक ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक किले के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस किले को सांपों का किला भी कहा जाता है। यह किला 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1178 से 1209 ईस्वी के बीच सिलाहार शासक भोज द्वितीय ने करवाया था। कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत इसी किले से जुड़ी हुई है। इस किले का नाम पनहाला दुर्ग, जिसे पनहलगढ़, पनाला और पहाला आदि नामों से भी जाना जाता है। यह किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पनहाला वैसे तो एक छोटा सा शहर और हिल स्टेशन है, लेकिन इसका इतिहास शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। वैसे तो यह किला यादों, बमहानी और आदिल शाही जैसे कई राजवंशों के अधीन रह चुका है, लेकिन 1673 ईस्वी में इस पर शिवजी महाराज का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज पनहाला किले में सबसे अधिक समय तक रहे थे। उन्होंने यहाँ 500 से भी ज़्यादा दिन बिताए थे। बाद में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया था। पनहाला दुर्ग को सांपों का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, यानी यहाँ देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इसी किले के पास जूना राजबाड़ा में कुल देवी तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, जिसमें एक गुप्त सुरंग बनी है जो सीधे 22 किलोमीटर दूर पनहाला किले में जाकर खुलती है। फिलहाल इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। इसी किले में 3 मंजिला इमारत के नीचे एक गुप्त रूप से बनाया गया कुआं है, जिसे अंधार बावड़ी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण मुगल शासक आदिल शाह ने करवाया था। इसके निर्माण की वजह ये थी कि आदिल शाह का मानना था कि जब भी दुश्मन किले पर हमला करेंगे तो वो आसपास के कुओं या तालाबों में मौजूद पानी में जहर मिला सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.